आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। कुशीनगर में पीएम की अगवानी को लेकर इंतजामों का लेंगे जायजा। महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में लोकार्पण शिलान्यास समारोह को करेंगे संबोधित। रविवार को गीडा में नए निवेशकों को सौंपेंगे भूमि आवंटन पत्र। 1,005 करोड़ रुपए के निवेश और करीब 2,700 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। गीडा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। सोमवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर धर्मपत्नी सहित गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गीता प्रेस का किया अवलोकन। गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने अंग वस्त्र देकर महामहिम राज्यपाल को किया सम्मानित। ओडीओपी के तहत चयनित दूसरे उत्पाद को भी स्टेशनों पर स्टॉल कियास्क मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करेगी पूर्वोत्तर रेलवे। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अति स्वागत योग्य है ये कदम। शासन और रेलवे प्रशासन से समन्वय बनाकर रेडीमेड गारमेंट्स का भी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉल कियास्क खुलवाने का करेंगे प्रयास। किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है फसल बीमा योजना। अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में मिली 13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति। करीब 22,000 किसान हुए लाभान्वित। डीएम ने कहा, किसानों के क्लेमों को सुगमता पूर्वक किसानों को हो हस्तांतरित, यही है उनका प्रयास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में मोहद्दीपुर में काले फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फिल्म। दुकानदारों के पास से 5 किलो से ज्यादा बरामद किया गया ब्लैक फिल्म, लगाया गया जुर्माना। एसपी सिटी ने कहा, दोबारा ब्लैक फिल्म लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने डूडा व बैंकर्स के साथ की बैठक। योजना का समय से लाभार्थियों को लाभ दिलवाने के लिए बैंक कर्मियों को दिए निर्देश। अमृत महोत्सव उद्यान के वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। दी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायत में 75 वृक्ष लगाने के निर्देश। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नागरिकों से सरकारी वाहन या एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। कहा, एम्बुलेंस को रास्ता ना देने वालों के खिलाफ की जाएगी विधिक कार्रवाई। चार शातिर वाहन चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिल, 2 लैपटॉप, 1 TFT मॉनिटर, 1 LED, 1 मिक्सर मशीन, 1 कुकर किया बरामद, भेजा जेल। प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों को समय समय पर हाथ धोने के प्रति किया गया जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 मई को होने वाले लोकार्पण शिलान्यास और जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए महानगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कहा, जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुटे महानगर के कार्यकर्ता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलहदातपुर के छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली रैली। स्कूल चलो अभियान के प्रति बच्चों को किया जागरूक। और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत नार्मल प्राथमिक विद्यालय पर रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट भोजन बनाने वाली रसोईया को किया गया सम्मानित।